चलिए बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाशों का स्केच जारी कर दिया है, जहां यमुना एक्सप्रेस वे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। लंबे समय से पत्थर मार गैंग यमुना एक्सप्रेस वे पर सक्रिय थी, जिसके बाद में आईजी रेंज आगरा ने विशेष टीमों का गठन भी कर दिया है। हर एक किलोमीटर पर 24 घंटे पुलिस फोर्स तैनात की गई है। थाना मांड और नोहाझे सुरेन क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें बदमाशों का स्केच अब पुलिस प्रशासन की टीम ने जारी कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लंबे समय से पत्थरमार गैंग यमुना एक्सप्रेस वे पर सक्रिय थी और लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, जिसकी वजह से जो यात्री है वो काफी परेशान थे। अब ऐसे में पुलिस काफी सजग नजर आ रही है और इसके चलते बदमाशों का स्केच पुलिस प्रशासन की टीम ने जारी कर दिया है। और ऐसे में ये आशंका और ये संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेगी और जो तमाम लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। तो टीवी स्क्रीन पर आप तमाम बदमाशों के स्केच देख सकते हैं और ऐसे में आप पुलिस प्रशासन की टीम से संपर्क भी कर सकते हैं अगर ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। इसके साथ ही ऐसे में आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, इसके बाद में पुलिस ने अब स्केच जारी कर दिया है।